दोस्तों, 56 साल के बुजुर्ग मुल्ला जिन्हें सुपरस्टार आमिर खान कहा जाता है, उसने अब अपनी दूसरी पत्नी किरण राव को भी तलाक दे दिया है। पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, करीब 16 साल तक साथ रहे। रीना की उम्र ढलते ही 2002 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद 2005 में जवान और हसीन किरण राव से शादी कर ली और अब आमिर खान किरण राव से भी तलाक ले रहे हैं। तलाक पर आमिर खान और किरण ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। कमाल है, बहुत बड़ा एहसान कर दिया है किरण राव पर, लेकिन पहले यह एहसान रीना दत्ता पर हो चुका है। रीना के प्यार में आमिर इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने अपने खून से लेटर लिखकर अपने प्यार का इजहार किया था। बस रीना भी खत पढ़कर पागल हो गई, दीवानी हो गई, सोचा उसका आमिर ही उसका सच्चा प्रेमी है। शादी हुई, दो बच्चे भी हुए। ये धर्मनिरपेक्ष विवाह था, इसलिए बच्चों के नाम भी सेकुलर रखे गए, एक का नाम जुनैद और एक का नाम ईरा। फिर दिल आ गया किरण राव पर और आमिर खान ने कहा कि हमने एक दूसरे को डेट किया, हम साथ ही रहे, फिर मुझे एहसास हुआ कि किरण के बगैर तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा, फिर मैंने अपने रिश्ते को नाम दिया और शादी कर ली और एक बच्चा पैदा किया, उसे भी सेकुलर नाम दिया आजाद खान। अब एक बीवी से कई कई बच्चे पैदा करना और उन्हें अल्लाह की देन बताना तो गरीब मुल्लाओं का काम है, इसलिए अमीर मुल्ला तो अलग अलग बीवी से कई कई बच्चे पैदा करते हैं और लोग इन्हें सुपरस्टार कहते हैं। रीना से बच्चे पैदा किए, उसे छोड़ दिया, फिर किरण से बच्चे पैदा किए और उसे भी छोड़ दिया। अब पैसे की भूखी किसी लड़की को खून से खत लिख देगा और वो भी पागल हो जाएगी कि मेरा आमिर ही मेरा सच्चा प्रेमी है। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये किसी रीना टीना या किसी किरण राव की बात नहीं है, ये एक एजेंडा है। संगीता बिजलानी भी पागल हो गई थी, उसने अजरुद्दीन से प्यार को बहुत ईमानदारी से निभाया, ये जानते हुए भी कि अजरुद्दीन शादीशुदा है और दो बच्चों का बाप है। खैर, संगीता ने अजरुद्दीन के साथ कई बच्चे पैदा किए और जैसे ही संगीता की उम्र ढलान की ओर चली तो रिश्ता भी तलाक की ओर चल पड़ा, क्योंकि अजरुद्दीन को अब नई लड़की चाहिए थी। इसी तरह सैफ अली खान को भी कभी अमृता की मुस्कान बहुत ज्यादा पसंद थी। दोनों के दो बच्चे हुए, जब तक अमृता जवान रही रिश्ता टिका रहा, लेकिन जैसे ही अमृता ने उम्र की दहलीज पार की, सैफ अली खान घोड़े पर बैठ गया और दिल करीना कपूर पर आ गया और अमृता को तलाक दे दिया। अब अमृता का जीवन अंधकार में है। इधर करीना से तैमूर पैदा हो चुका है, लेकिन तैमूर की माँ ही कब तक खैर मनाएगी। आज किरण, अमृता, टीना जैसी सेलिब्रिटीज लड़कियां तो अपने जीवन व्यतीत कर लेंगी, लेकिन सैकड़ों हजारों लड़कियां अपनी बेबसी और गरीबी के कारण अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं। तो दोस्तों, आमिर खान की इस हरकत के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बता दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।